मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर चुनरी चढ़ाई। डुबकी के जरिए सीएम मोहन यादव ने शिप्रा में गंदगी का मसला उठाने वालों को संदेश भी दिया। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी शुद्धिकरण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी गरमाया हुआ है। बीते दिनों उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सीवेज चैम्बर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने पर नदी में डुबकी लगाकर भाजपा को घेरा था और अनदेखी का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे और शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। स्नान के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की इस नगरी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि स्नान के बाद यहाँ अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।